उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो देखो फ्रेंड, अभी दो तीन दिन से बिल्कुल रुक गई है, नहीं आ रही है। आज मैं और सुबह सुबह में बैठ गई हूँ अपने गार्डन में काम करने के लिए। ये देखो, ये कैक्टस थोड़े ख़राब हो गए थे, नहीं ग्रो कर रहे थे अच्छे से, तो मैंने काट के फिर से अच्छे से फिर से लगा दिए। और मैंने आज कितने मेरे पास एडेनियम है वो गिने, तो मेरे पास जो ऐसे बच्चे वाले जो बेबी एडेनियम है 60 इतने एडेमी है। बड़े वाले को मैंने छोड़ दिया, लेकिन इतने छोटे वाले एडेनियम है। और गर्मी में मेरे 4 गुड़हल ख़राब हो गए थे, तो एक में इसमें से एक वाइट चला गया, एक और चला गया, तो 3 और 4 गमले खाली हो गए थे। तो मैंने एक में तो अपराजिता, ये 4 गमले, एक कहाँ गया, दूसरा नहीं, दूसरा अभी है, देखो ये सारे गुड़हल में ऐसा हो गया। तो 2 और 3 और चौथा कहीं रखा है, 4 गुड़हल मेरे खाली हो गए थे। तो इसमें तो मैंने अपराजिता का भी सीड्स लगा के आप देख सकते हो ग्रो हो गए हैं। 4-5 दिन पहले ही मैंने अपराजिता के सीड्स लगा दिए। तो ये मेरा गमला एक तो भर गया, और दूसरा मैंने एक और ये गुड़हल ले लिया, देखो ये वाला बहुत प्यारा कलर है, ये वाला गुड़हल मैंने ले लिया है। और मैंने आज इसमें रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। इसमें मेरा वाइट गुड़हल था, तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी, और आप देख सकते हो, देखो ये नर्सरी वाले क्या DAP डाल के ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट को वही खाद देते हैं, और वो हमें बताते भी है कि ये देखो ये DAP डालो, लेकिन हम डरते हैं। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिट्टी है थोड़ी सी निकाल दी है, और मैं इसमें इसको बिठा दूंगी। इसके पहले मैं, ये मेरे पास सीवीड माइक्रोन्यूटन है, सागरिका का है, मैं इसमें इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ। और थोड़ा सा डालूंगी मैं एप्सम सॉल्ट कि प्लांट शॉक में ना चला जाए, और थोड़ा सा मैं फंगीसाइड पाउडर, ट्राइकोडर्मा है, मैं थोड़ा और लेती हूँ हाथ से, वो भी ख़त्म होने लगा है, तो मैं और फंगीसाइड या कुछ भी लेके आई थी। और फिर मैंने उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, वही मैंने निकाल ली, थोड़ी सी लाल मिट्टी मैंने निकाल दी है, ऐसे ऐसे करके जितनी निकल जाए उतनी, देखो। और मैं इसको अब इसमें बिठा देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ के बिना ही मैंने थोड़ी सी लाल मिट्टी निकाल दी है। लाल मिट्टी वैसे ही इसके साथ भुरभुरी है, क्योंकि इसके साथ बजरी मिली हुई है, तो मैं थोड़ी सी इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन इतनी मैंने रखी है। अब मैं पुरानी मिट्टी डाल देती हूँ। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाओ, तो क्या होता है, हमारी मिट्टी अलग होती है, नर्सरी वाले की लाल मिट्टी होती है, जो पूना से आता है प्लांट, तो हमें थोड़ी सी, जहाँ इसकी जड़ को बहुत छेड़छाड़ किए बिना थोड़ी सी मिट्टी निकाल देनी पड़ती है, क्योंकि फिर लाल मिट्टी जो होती है बिनी की गीली रहती है, पानी जब डालते हैं, और हमारी ये मिट्टी सूख जाती है, और फिर प्लांट हमारा रूट रॉट का शिकार हो जाता है, फंगस लग जाता है, और प्लांट का रूट जो होता है ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी। फिर बात करते हैं, मैं नर्सरी वाला तो हमारे यहाँ घर पे आते ही रहती है, साइकिल वाले बहुत सारे आते हैं, तो मैंने इसके पास से पहले 100 रुपया बोला, फिर 80 रुपया बोला, और मैंने लास्ट में उसको 60 रुपया दे के ये प्लांट लिया है। तो देखो बहुत प्यारा सा कलर है, बड़ा सा। तो मैं अब इसको मिट्टी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी जब भी नर्सरी से लाए प्लांट, तो वही करने का, थोड़ी सी लाल मिट्टी निकाल दो, और फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो हल्दी डाल दो, और एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट, क्या होता है, इससे प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है। और फिर हम ऐसे ही गुड़हल को रिपोर्ट करेंगे, तो क्या होता है, गुड़हल को हमारा मरने का चांस कम हो जाता है, और फिर हमें सालों साले, तो परमानेंट प्लांट है तो बहुत ढेर सारे हमें फूल देते हैं। तो चलो मैं आपको, एक हाथ में से कैमरा पकड़ के नहीं पाता है, तो मैं पोज करके फिर रिपोर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैंने रिपोर्ट कर दिया प्लांट को अच्छे से। जब भी आप नए प्लांट लगाओ, अच्छे से दबा दबा के मिट्टी भरो, तो क्या की है, इसमें एयर अंदर रुके नहीं, और हमारा प्लांट को ख़राब होने का चांस उसी से लगता है कि ढीला, ऐसे हिलता डुलता रहेगा, ढीला रहेगा। तो हमारे प्लांट को हम जब भी लगाए मिट्टी में, तो एकदम से दबा दबा के अंदर से दबाना चाहिए, और फिर अच्छे से हमें पानी दे देना है। जब भी पहली बार पानी दो, अच्छे से दे दो, धीरे धीरे प्लांट पानी नीचे उतर जाएगा, फिर जब भी मिट्टी सूखेगी हमें पानी देना है। और अभी जो मौसम है, तो धूप तो नहीं आती, लेकिन बहुत सारा ह्यूमिडिटी है
वातावरण में बहुत पसीना पसीना हो जाता है। तो अभी अच्छा सा मौसम है हमारे नर्सरी में से जाके प्लांट लाने का लिए। और ये तो सूप प्लांट है, इसमें भी लाल कलर का फूल है, तो माँ लक्ष्मी को, माँ अम्बा को, माँ गणपति को भी चढ़ाना है, तो वो बहुत इसीलिए मैंने ये वाला कलर चुना है। और प्लांट भी मुझे बहुत किफ़ायती में और इतना बड़ा मिल गया सिर्फ 60 रुपये में। तो आप भी अभी नर्सरी से जाओ तो ये प्लांट ज़रूर से लेके आना, और ऐसे ही रिपोर्ट करोगे। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि नर्सरी से लाके प्लांट जब रिपोर्ट करते हैं तो क्यों मर जाता है, तो बस उसी की वजह से हम लाल मिट्टी को थोड़ा सा निकाल देनी है कि इसमें से जड़ अच्छे से बाहर आ जाए और फिर हमें रिपोर्ट करना है, तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये प्लांट जो अभी ख़राब हुआ है मेरा, मैं तो ऐसे ही रिपोर्ट करती हूँ, पर बहुत गर्मी की वजह से रिपोर्ट मतलब मर गया है, और ज़्यादा पानी डालने की वजह से। बहुत गर्मी थी और पूरा हम पानी सुबह शाम प्लांट को देते रहते थे, तो इसीलिए हमारा प्लांट ये मर गया। तो आप भी बस ऐसे ही नर्सरी से ला के प्लांट को रिपोर्ट करो और सालों साल फूल पाओ। तो चलो फिर टॉपिक के, बाय बाय।